हल्द्वानी में नए शिक्षण संस्थान की शुरुआत होते ही प्राइवेट बुक सेलरों और निजी विद्यालयों की मनमानी के कारनामे सामने आने लगे हैं। लगातार प्राइवेट बुक सेलरों द्वारा मनमानी किताबों को महंगे दामों पर बेचने की शिकायत और अव्यवस्थाओं के चलते प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के चलते शिक्षा विभाग और प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने सभी बुक सेलरों के यहाँ निरीक्षण किया। इसके अलावा कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग के अधिकारी व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सत्र जैसे शुरू हुआ है तो ये हर बार ही देखा गया है, जब भी सत्र शुरू होता है दुकानों पे बहुत भीड़ हो जाती है। एक तो अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो इसको प्रॉपर समय अभी है हमारे पास, अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। दूसरा, कुछ शिकायतें जो आ रही हैं कि वो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, साथ में ये भी संज्ञान में आया कि कुछ रेफरेंस बुक के नाम पे ऊंचे मूल्य की किताबें बेची जा रही हैं, तो उसका संज्ञान लिया गया है। और कल हम लोगों ने इसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से एक मीटिंग भी रखी हुई है 11 बजे, और उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी कहा है और खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें रहेंगे। सभी स्कूलों को उसमें बुलाया गया है। सर, बड़े बड़े वेंकट हॉल तो ले लिए उन्होंने, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। तमाम लोग वहाँ पे किताबें खरीद रहे हैं, लेकिन वो दिन भर घंटों इंतजार कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी कहा गया कि आप उसमें कम से कम जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो सुनिश्चित कराएँ। आदमी को वहाँ पे अगर इंतज़ार करना पड़ता है तो उसके लिए पीने का पानी हो, शेड हो, वहाँ पर उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, इसके लिए सुनिश्चित कराया जाएगा।